हेलो एवरीवन, आज है 14 जून और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग में कैंची धाम से। तो 14 जून के शाम को अभी सात बजे का माहौल हम लोग यहां पर चेक करने के लिए आए हुए हैं। जो आज से ही है वो गाड़ियां बंद कर दी गई हैं और ये लगा रखी हैं लाइन यहां से पब्लिक के जाने आने जाने के लिए, ठीक है। और अंदर देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा पब्लिक आई है और ये सारे लोग अभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन लगा रखे हैं और लोग एक दिन पहले से स्टे कर रहे हैं, ठीक है। और पब्लिक देखो लगातार चल रही है। पार्किंग एरिया चेक करो गाइस, पूरा फुल है। और उस तरफ है टेंट जहाँ पर आप रुक करके पानी वगैरह पी सकते हैं। वहाँ रुक, यहाँ पर जितने भी यात्री अभी रुके होंगे वो सब वहाँ इस सेट के नीचे रुक सकते हैं। ये रुक रहे हैं वहाँ पर अभी इस समय बेसिकली। और ये लास्ट टाइम में खाली टेंट था, तो अभी यहाँ पर बहुत बड़ा होटल बन चुका है। अभी क्या सीन है कि यहाँ पर रोड बिल्कुल खाली है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना बड़ी गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल बंद कर दिया गया है और जितनी भी चलती हैं वो सिर्फ बाइक हैं। अभी हम लोग ऊपर वाले रोड में हैं, तो यहाँ से हम कुछ व्यू दिखा रहे हैं आपको। ये है कैंची धाम गाइस, लाइटिंग पूरी लगा रखी है भरपूर और इतना सुंदर लग रहा है। अंदर लोग हैं और वहाँ पर आज अभी आरती वगैरह चल रही है, लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। वहाँ पर पूरा टेंट लगा हुआ है। ये है बाबा जी के दर्शन। अभी हमारी बात हुई पुलिस वाले भाई लोगों से, तो फोर्स कम से कम 600-700 लोग हैं, तो उनके रुकने की जो व्यवस्था है वो अलग अलग जगहों पे की गई है। कुछ यहीं पर होटल्स वगैरह में और कुछ थाने में। तो भाई पब्लिक तो बहुत होने वाली है, यहाँ से हल्द्वानी तक पूरा फोर्स लगा हुआ है, क्योंकि 60th है ना उनका। हाँ, बहुत दिक्कत है अपना दिवस। और ये देख ही सकते हैं आप लोग, कुछ लोग दर्शन करके आज ही जाने लग गए हैं और कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं, आगे लाइन पर लगे हुए हैं वहाँ मंदिर पर। यहाँ पे देखो और कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो गाइस कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब जैसे जैसे रात होगी ना वैसे वैसे और ज़्यादा सुंदर लगेगा। चाचा जी लास्ट टाइम में आए थे, लास्ट टाइम नहीं आए थे ना, उससे पहले वाले में आए थे, इससे पहले वाले में आए थे, तो तब भी हम रात को ही आ गए थे यहाँ घूमने के लिए और फिर अगले दिन भी आए थे। और लास्ट ईयर का मिस हो गया, बस इस ईयर का फिर से कंटिन्यू, अगले साल से अब लगातार कंटिन्यू रहेगा। गाइस ये देख लो, अब लोगों ने ये वाला पता नहीं कौन सा गेम शुरू कर दिया है, ये पता नहीं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे केदारनाथ में किया था ना, पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके उनको मकान बनाने वाला सीन, शायद ये वही वाला हो सकता है ऐसा कुछ। बट ऐसा तो हम पहली बार ही देख रहे हैं, जब पब्लिक आती है तभी देखने को मिलता है। और ये शॉर्ट रास्ता है उतरने के लिए, तो यहाँ से भी उतर रहे हैं इस वाले रास्ते को छोड़ के, यहाँ से हम नीचे जाएंगे और ये जाता है मेन गेट पर। देखो गाइस जल बोर्ड लगा हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है लोगों को गर्मी की वजह से। तो ये इसलिए लगे हुए हैं कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, पानी वगैरह मिलता रहे। और जितने भी धोती कुर्ते वाले होंगे सब यहाँ सेवा देने वाले लोग हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वापस घर की तरफ, ठीक है। और बहुत देर हो गई है, लगभग 8 बज चुके हैं और अंधेरा भी हो गया, तो अभी हम अंदर वाले रूट पर हैं। तो यहाँ पर आप तरह तरह के लोग देख सकते हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज वाले, अलग अलग राज्य से आए हुए लोग हैं। हम यहाँ से जाएंगे अंदर, अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। तो हमारे भाई लोग यहाँ पर सुरक्षा में लगे हुए हैं, सभी लोगों की, हम लोगों की सुरक्षा में हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मेला कंट्रोल रूम है, जहाँ पर अगर कोई भी थोड़ा सा आउटसाइड गुम हो जाता है तो आप लोगों ने यहाँ पर आकर के कॉल कर सकते हैं, तो वो लोग, तो ये सभी लोग आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर हैं, तो आप लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बाकी आज तो पूरा फुल है, पूरा कैंची धाम फुल है, तो आसपास के होटल भी हैं। और आप लोग यहाँ तक सिर्फ
शटल सेवा के माध्यम से आ सकते हैं। और मतलब जो आप लोग सोचोगे कि अपनी गाड़ी लेके आएंगे तो आप लोग हल्द्वानी से भी ना आए, कहीं भी कहीं से भी मतलब अपनी गाड़ियों से आने की कोशिश ना करें। हल्द्वानी तक, हल्द्वानी से शटल सेवा लगी हुई है, तो आप लोग शटल सेवा से यहाँ तक आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। बस चलो फिर अब हम लोग चलते हैं घर को, मिलते हैं आपको कल, कल देखते हैं कि क्या अपडेट रहता है यहाँ का और कैसा रहता है। ठीक है गाइस, बाय 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 बाय। तो हम लोग चल रहे हैं घर को। ओके बाय गाइस, सी यू, टेक केयर। दुकानें भी यहाँ ना कम कम ही लगेंगी, मतलब शायद हमें अभी तक नहीं तो लग चुकी होती, तो अगर अभी तक नहीं लगी हैं तो आगे भी नहीं लगेंगी जहाँ तक हमें लगता है। और बाकी तो कल ही देखेंगे, बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो आप लोगों को बताएंगे ज़रूर।